नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये खबर आ रही है कि JSSC की वैकेंसी रुके तो स्टूडेंट के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या उन्हें नौकरी 2021 में मिलने की कितनी संभावना है, 2022 में मिलने की कितनी संभावना है और 2023 में मिलने की कितनी संभावना है। तो आज इसी पर बात करेंगे JSSC वाले अपडेट में। क्या JSSC इस बार परीक्षा ले लेगी और CGL परीक्षा का क्या होगा, सचिवालय परीक्षा का क्या होगा, टीचर बहाली का क्या होगा, ये तमाम चीजें स्टूडेंट के दिमाग में इस समय में चल रहा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोनी कुमारी के जैसा फिर से सारी वैकेंसी एक गलत डिसीजन सरकार का और क्या सारी वैकेंसी रुक जाएगी। आपने देखा होगा कि सोनी कुमारी की केस के बाद जिसमें शेड्यूल और नॉन शेड्यूल केस था उसमें कई वैकेंसी फंस गए और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार एक एक करके सारी वैकेंसी रद्द कर रही है। हालांकि जिस वैकेंसी को रद्द कर रही है ये मामला भी न्यायपालिका में चला गया है, लिस्टिंग हो गई है, इस पर भी सुनवाई होगी और हमें व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये सारी वैकेंसी बच जाएगी, क्योंकि कोई नियमावली में जब कोई नियुक्ति हो जाती है तो नई सरकार नियमावली बदल करके उस नियुक्ति को निरस्त नहीं कर सकती है। ऐसे में पंचायत सचिव की भी नौकरी बचेगी, लिपिकीय अभ्यर्थी की बचेगी, एक्साइज वाले की बचेगी, सिपाही वाले की बचेगी, जितने एग्जाम IRB वाले की बचेगी वो बच जाए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे की क्या मंशा है, तो चलिए आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। अगला चुनाव जो है ये होने वाला है 2024 में झारखंड में। झारखंड की सरकार को ऐसा लगता है कि अगर वो 2021 में नौकरी दे देती सभी लोगों को तो उनकी जो माइलेज थी चुनाव में वो उनको नहीं मिल पाएगा और चुनाव के समय में कोई नया मुद्दा आ जाएगा, इसलिए 2021 को किसी प्रकार से रोक कर रखा गया और 2021 में कोई बहाली नहीं हुई, जो बहाली होने वाली थी उसे भी रोक दिया गया। जहां जहां पर बड़ी संख्या में बहाली हो रहा है सरकार उस पर पैनी नजर रखी हुई है, जिसमें बड़े स्तर पर लोग प्रभावित होंगे उसको रोकने का प्रयास कर रही है। झारखंड में वर्तमान में जो सरकार है इसमें दो बड़े ग्रुप है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोटर है, जो उनको वोट करता है चाहते हुए और नहीं चाहते हुए, वो है गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके झारखंड के मूलवासी और आदिवासी जो है वो झारखंड के कोर वोटर है। कांग्रेस के जो वोटर हैं उसमें जो आउटसाइडर है झारखंड में, जिसकी जनसंख्या तकरीबन 70% है, जिसमें यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के जो लोग आकर के झारखंड में रह रहे हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं और BJP के कोर वोटर में आते हैं। JMM को ऐसा लगता है कि उनके जो कोर वोटर हैं हमको अपनी पॉलिसी कोर वोटर के लिए बनानी है, हम आउटसाइडर के लिए पॉलिसी लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो दूसरे ग्रुप है जो कांग्रेस के वोटर है वो JMM की ओर झुकाव नहीं करेंगे, इसलिए उनकी जो पॉलिसी होती है, ये जो नई नीति आई जिसमें कुछ भाषा को हटाया गया और साथ ही साथ इसमें ये किया गया कि तीसरी और चौथी स्तर की जो नौकरी होगी वो नौकरी झारखंड से 10th और प्लस 2 करने वाले लोगों को मिलेगा। इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि जो SC ST कैंडिडेट है वो कहीं से भी पढ़ाई करेंगे तो उनको झारखंड में नौकरी मिल जाएगी, EWS को भी मिल जाएगी। तो ये जो सरकार की कोशिश थी, उनकी कोशिश ये है कि इससे क्या फायदा होगा कि उनके वोटर उनके साथ कंपाइल रहेंगे, उनको कहीं नुकसान देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ उनके साथ जो लोग छिटक गए हैं वो भी जुड़ जाएंगे, उनको लगेगा कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है और भावनात्मक रूप से लोगों के बीच ये मुद्दा डाल देंगे कि जब झारखंड के लोग हैं, झारखंड में ही पढ़ाई किए हैं तो इनको नौकरी दे देना ठीक होगा। लेकिन दुविधा होगी कांग्रेस के साथ, दुविधा होगी BJP के साथ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को कोर्ट में जाकर के चैलेंज किया, कुछ स्टूडेंट ने भी चैलेंज किया। कांग्रेस के साथ ये दुविधा है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे मंत्री और विधायक हैं इस वक्त जिनके कोर वोटर में वो लोग हैं जो इस कानून के बनने से अलग हो जाएंगे।
अब यहां पर सवाल ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस क्या करेगी। फिलहाल बाहर में स्टेटमेंट देगी कि हम स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं और अंदर सरकार को चलाती रहेगी। 2023 आते आते जो हमारा विश्लेषण कहता है कि 2023 के अंत तक कांग्रेस अपनी पूरी नाराजगी दिखाना शुरू कर दे। कांग्रेस ये बोलेगी कि हम कंप्लीट नाराज हैं सरकार की इस नीति से और इससे हम लोग एकदम खुश नहीं है, हम समर्थन वापस लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो उस समय चुनाव का माहौल रहेगा। चुनाव के समय में जो जनता अभी कांग्रेस से नाराज हो गई है वो फिर से उनके साथ अटैच होगी, जेएमएम के कोर वोटर उसके साथ रह जाएंगे और फिर ये 2024 में एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा। अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस मामले को सड़क पर लेकर आया जाए और न्यायपालिका से भी इसको चैलेंज किया जाए, इसलिए न्यायपालिका में ये मामला चला गया और ये उम्मीद अब बीजेपी को लग रहा है कि न्यायपालिका इस पर रोक लगाएगी। तो इसमें घाटा किसको होगा? इसमें घाटा होगा फिर से स्टूडेंट को, क्योंकि आप ये देखिए कि जब पिछली बार में जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जन्म के स्थान पर रखा गया था तो उस आधार पर क्या हुआ आप समझ पाएंगे कि 5 साल से नियुक्ति रुक गई। जैसी नियुक्ति रुक गई तो सरकार ये बोलना शुरू कर दी कि हमने तो नियुक्ति देना शुरू किया ही था, हम तो आपके लिए सोच ही रहे थे, लेकिन चूंकि स्टूडेंट न्यायपालिका में चले गए तो न्यायपालिका में सब जुडिशियल मामला, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। मोर ऑर लेस यही चीज इस समय में भी होगा, ये मामला आगे चलता जाएगा, फिर 1 दिसंबर के बाद नई डेट आएगी और डेट जब आगे बढ़ती जाएगी तो स्टूडेंट को लगेगा कि अब हम चलो भाई तैयारी करते रहे, कुछ और कर लेते हैं, अभी तो न्यायपालिका में मामला चल रहा है, देखना पड़ेगा क्या होता है। तब तक सरकार की कोशिश होगी कि वो 1 साल और निकाल ले, 1 साल और निकालेगी तो 2023 आ जाएगा और उस समय स्टूडेंट को लगेगा कि चलो जो भी नौकरी मिल जाता है कर लेते हैं, कुछ वैकेंसी आएगी। हालांकि वैकेंसी आने का सिलसिला 2022 में शुरू हो जाएगा, उसका मूल कारण ये होगा कि 2022 में पंचायत के चुनाव होंगे, पंचायत का चुनाव अभी टाल दिया गया है दिसंबर वाला, तो ये रणनीति पर सरकार चलेगी। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप हर महीना अगर गवर्नमेंट को आगे भी कंटिन्यू करना है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हर महीना कम से कम हम 2,000 वैकेंसी लाएं, ज़्यादा हम नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि आप 20,000 वैकेंसी लाएं, आप अगर 2,000 वैकेंसी भी लाएंगे और मंथली लाएंगे तो 12 महीने में 24,000 वैकेंसी होता है। अभी सरकार के पास 3 साल बाकी है तो आप देखेंगे तो लगभग 70,000 वैकेंसी वो ला सकती है अगर गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है, और वैकेंसी 2,87,000 सीट है झारखंड में। तो ये जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट की थिंक टैंक होती है, उनको ये सोचना चाहिए। तीसरी चीज कि गवर्नमेंट के दिमाग में आ रहा है कि उनके पास खजाना नहीं है, लेकिन ये खजाना कहाँ चला जा रहा है? और ये खजाना अगर मान लीजिए कि मंत्री जी का बंगला बन रहा है तो आप 20-22 करोड़ खर्चा कर दे रहे, ये खजाना का पैसा कहाँ जा रहा है? आप पुल बनाते हैं 3 महीना में वो टूट जाता है, बह जाता है, रोड बनाते हैं जर्जर हो जाता है, तो फिर ये समझना पड़ेगा कि इस खजाने में से कुछ पैसा बेरोजगार स्टूडेंट की ओर डाइवर्जन करें, उनकी ओर लेकर के चले, इससे सरकार की छवि बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए युवाओं को अनदेखी करके चल रहा है, क्योंकि आज इंडिया में सबसे बड़ा वर्कफोर्स जो है वो युवा है, तो अगर आप युवाओं को अनदेखी करके चलेंगे तो ये मामला मतलब नहीं सुलझ पाएगा, इसमें दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए हमें लगता है कि झारखंड में अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई थोड़ा आगे बढ़ेगी, लेकिन सरकार वैकेंसी एटलीस्ट ले आए, चाहे इसी महीना ले आए, दिसंबर में ले आए, जनवरी में ले आए, तो स्टूडेंट का गुस्सा शांत होगा और कुछ वैकेंसी को करे, वो कोर्ट में भी लिख करके दे कि नहीं हमारी ये नियमावली, और इसको जैसे कोर्ट में केस हुआ तो इसको लंबा नहीं चलने दे, इसको कोशिश करे कि हम 1 महीने में क्लियर कर दें, इस प्रकार से हमारी जीरा हो तर्क हो, तो बच्चे साथ में